वेलकम आरसीआई ऑनलाइन क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, लेट्स कंटिन्यू चैप्टर फॉर आवर नेक्स्ट टॉपिक। एंड टॉपिक इज कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इफ इट इज कंप्लीटली फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक मीडियम। दोनों प्लेट्स के बीच कंप्लीटली डाइलेक्ट्रिक मीडियम ले लेते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, ये आपके पास इसका डायग्राम देखिए, ये कोई पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। तो ये नेगेटिवली चार्ज प्लेट, नेगेटिवली चार्ज, डिस्टेंस स्मॉल डी, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स स्मॉल डी, और इसमें हमने डाइलेक्ट्रिक मीडियम ले लिया, कंप्लीटली फिल्ड डाइलेक्ट्रिक मीडियम, और वो ले लिया एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर कंप्लीट फिल्ड मीडियम ले लिया और उसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमने ले लिया एप्सिलॉन आर। हमें कैपेसिटेंस कैलकुलेट करनी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर करेंगे। प्लेट्स के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड आता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जनरल फॉर्मूला। लेकिन यहाँ मीडियम है और मीडियम दोनों प्लेट्स के बीच में कंप्लीट फिल है, तो आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन हाफ। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये प्लेट्स के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कंसीडर कर लिया था चैप्टर सेकंड में। हियर वी नो दैट सिग्मा इज इक्वल टू, वी नो दैट सिग्मा इज इक्वल टू, सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए। Substitute these values in these equations, so E is equal to Q upon A into epsilon naught into epsilon r, and this is called equation number second. Clear? देखिए बेटा, अब हमें calculate करना है potential. So potential से we know that the relation between E and V, relation between V, E and V, V is equal to E into D. This is called equation number third. Substitute equation 2 in equation 3. So potential V is equal to Q upon A into epsilon naught into epsilon R into D. This is called equation number 4. हमें calculate करना है capacitance. So C आ जाएगा आपके पास, C is equal to होता है Q by V. This is called equation number 5. Substitute equation 4 in equation 5. So C is equal to Q upon Q into D upon A into epsilon 0 into epsilon r. Q से Q cancel. So C is equal to A into epsilon naught into epsilon r upon D. ये capacitance आ गई जब दोनों प्लेट्स के बीच डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है एप्सिलॉन आर, और कंप्लीट दोनों प्लेट्स के बीच में कंप्लीट फिल है। तो ये ऐसे, ये जो आपके पास फॉर्मूला है कैपेसिटेंस का, ये मीडियम के लिए हमने कैलकुलेट किया था, वही रिजल्ट आएगा सेम कंप्लीट फिल के लिए। ठीक है, तो यहाँ की जो कैपेसिटेंस है वो किस किस पे डिपेंड करी? सी एक तो ए पे डिपेंड करी, यानी कि एरिया ऑफ प्लेट्स। एक सी इज एंटी प्रोपोर्शनल वन अपॉन डी, यानी कि जो प्लेट्स की डिस्टेंस है उस पर डिपेंड कर रहा है, और एक सी डिपेंड कर रहा है डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे, यानी कि एप्सिलॉन आर। इधर तो इस तरह से एज पे इसको सॉल्व करते हैं। कुछ नहीं, सबसे पहले हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड से हम पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे, पोटेंशियल से फिर सी कैलकुलेट करेंगे। ये है कंप्लीट फील्ड के लिए। अब हम पार्शियली फील्ड करके देखेंगे, फिर अलग अलग डायलेक्ट्रिक के अलग अलग कैपेसिटेंस कैलकुलेट करेंगे। यही चैप्टर में होने वाला है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ एक बात और क्लियर हो जाती है कि जब डायलेक्ट्रिक मीडियम लेते हैं तो कैपेसिटेंस इंक्रीज होती है, क्योंकि यहाँ जो कैपेसिटेंस डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंक्रीज करेंगे या डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू लेते हैं तो सी भी इंक्रीज होती है। मैंने पहले बताया था कि ये सी ऐसा है जो इंक्रीज होगा, ना तो ई इंक्रीज होता है ना ही वी इंक्रीज होता है। वी भी डिक्रीज होता है, ई भी डिक्रीज होगा, और एफ भी डिक्रीज होगा मीडियम के लिए। तो मीडियम के लिए तीनों डिक्रीज होंगे, लेकिन जो कैपेसिटेंस है वो कैपेसिटेंस क्या होगी? इंक्रीज होगी। ठीक है ना, इस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। कोई भी डाउट हो तो आप पूछ लेना कमेंट करके। जो वीडियो चल रहे हैं उनको लाइक करो भाई, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच। कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं।